चाहत इस अम्बेडकर विश्वविद्यालय की कितनी है कि ये लोग, ये विद्यार्थी हमारे दम साध कर बैठे हुए हैं वाल्मीकि। मंच पर आसीन निपज्जन तथा सभागार में कृतज्ञता से सब झेलते हुए सारी चीजों को बैठे साथियों, और सबसे ज्यादा सत्य केतु जी जो संचालित कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। जिस रोज इस विषय मुझे सत्य केतु जी ने बताया तो मैंने मना किया कि प्रेमचंद को मत घसीटिए। जितना नुकसान दलित लेखकों ने प्रेमचंद को किया है उससे ज्यादा गैर दलितों ने किया है, क्योंकि वो बार बार खींच के उसको इस खेमे में लाने की कोशिश करते हैं और वो उधर से धकेले जाते हैं बाहर की तरफ। एक महान लेखक को ऐसा करने से रोकिए, वो बड़े लेखक हैं और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं, उन्हें क्यों फजीहत में डाल रहे हैं? इसलिए इस विषय को ना रखें तो बेहतर होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कन्विंस किया, लेकिन जब बीच भाषण हुआ हमारे विद्वान बंधुवर का तो मैं हैरान रह गया कि मेरी धारणाएं और अधिक पुख्ता हुई कि हम बिना दलित साहित्य को पढ़े, बिना दलित साहित्य के टेक्स्ट को जाने हम दलित साहित्य पर बात करें। पर ये हिंदी के तमाम विद्वानों पर मैं आरोप लगा रहा हूं कि वो दलित साहित्य के टेक्स्ट को नहीं पढ़ते, बिना पढ़े सिर्फ वो धर्मवीर को पढ़ते हैं और दूसरे लोगों को पढ़ते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं पढ़ते। और उसके बाद विद्वान बनकर मंच पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, अजीब तरह की बातें करते हैं, जो नकारात्मक चीजें हैं उनको पॉजिटिव कर देते हैं। ये कुशलता हासिल है क्योंकि भाषा का एक ग्लैमर है उनके पास, एक शास्त्रीय भाषा है जिसके चमत्कार में सबको बांध कर करते हैं। और एक कमाल की बात है हमारे हिंदी जगत में कि एक व्यक्ति सनातनी भी हो सकता है, वही व्यक्ति वही मार्क्सवादी भी हो सकता है, वही जनवादी भी हो सकता है, वही प्रगतिशील हो सकता है, वही दलित साहित्यकार भी हो सकता है। कमाल की चीज है यहाँ पर, और हम बड़े गौरव के साथ उसको स्वीकार करते रहते। अभी जो विवेचना यहाँ कहानियों की हो रही थी बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी, श्रीवास्तव जी ने, दोनों श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, बहुत मजे ले लेकर के आनंदित भाव से प्रेमचंद की कहानी। मैं भी प्रेमचंद का घायल हूँ, अगर मैंने कहानी लिखना सीखा है तो अगर मैं गोरकी और लूशुन प्रेमचंद इन्हीं से लेखन सीखा है, कहानी सीखी लिखनी। मैं प्रेमचंद को दुश्मन नहीं मानता, दुश्मन मैं उन लोगों को मानता हूं जो प्रेमचंद को दलित साहित्य के सामने दीवार की तरह खड़ा करते हैं। अरे तुम क्या लिखोगे, तुमसे पहले तो प्रेमचंद ने लिख दिया। ये जो भावना है ये हमें रोकती है कि इस पर हम बात करें। प्रेमचंद पर इस तरह से बात क्यों की जा रही है? प्रेमचंद के तीन चार स्टेजेस हैं, पहले वो आर्य समाजी हैं, फिर वो गांधीवादी हैं, फिर वो प्रगतिशील हैं। एक प्रगतिशील व्यक्ति जब दलित पर बात करेगा तो वो नामवर सिंह की भाषा में करेगा, आरक्षण का विरोध करेगा, तमाम चीजों का विरोध करेगा। एक साहित्यकार जब आरक्षण पर इस तरह से बोलता है कि आरक्षण ने इनको साहित्यकार बना दिया, दलित और आदिवासियों को, अब ब्राह्मण लड़के भीख मांगते घूमेंगे, शेमफुल है ये। और वही उसी प्रगतिशील से प्रेमचंद का नाम जुड़ा हुआ है, तो यहां मैं प्रेमचंद को दोष दूं या अपनी समझ को दोष दूं? अब मैं प्रेमचंद पर कुछ चीजें ऐसी आपके सामने लाना चाहता हूं, खासतौर से श्रीमान जी आपके सामने कि चूंकि आपने दलित साहित्य पे एक कमेंट भी नहीं किया, इसलिए मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने दलित साहित्य नहीं पढ़ा, तभी आप नहीं बात कर रहे। और मैं मेहरबानी करके दलित साहित्य की कहानियों को, दलित साहित्य की कहानियों को पढ़ने के बाद प्रेमचंद की कहानी को पढ़िए तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। मैं आप सबको यह निवेदन करना चाहता हूं जो यहां पर इस सभागार में विद्वान जन बैठे हुए हैं कि दलित कहानियों को बिना पढ़े प्रेमचंद का विश्लेषण मत कीजिए, क्योंकि आपकी सोच, आपके संस्कार, आपके पारिवारिक संस्कार, आपकी धार्मिक चेतना, आपकी सांस्कृतिक चेतना उन चीजों को समझने से रोकती है, बिल्कुल रोकती है। क्योंकि जो चीज आपकी सांस्कृतिक चेतना के अंदर बसी हुई है, जो आपकी धार्मिक चेतना के अंदर बसी हुई है, जो आपकी पारिवारिक संस्कारों के साथ आपके अंदर घुली हुई है,
उस नजरिए से जब आप दलित को देखते हैं तो दलित का वो सही सही रूप आप नहीं देख पाते, दलित आपको दलित, असभ्य और अनपढ़ दिखाई देता है, चाहे कितने बड़ा विद्वान नहीं हो। डॉक्टर अंबेडकर आज भी दलितों के नेता है, दलित मसीहा है। आपके घरों में गई अंबेडकर की फोटो मैंने तो आज तक किसी घर में देखी नहीं। अगर वो इतने बड़े विद्वान है तो आपने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो आपकी सांस्कृतिक चेतना, आपकी मानसिक चेतना, आपकी सांस्कृतिक चेतना आपको रोकती है, दलित को बड़ा व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति मानने से रोकती है। वो सभाओं में आकर के बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषा में अंबेडकर की तारीफ करेंगे लेकिन पीठ पीछे गाली देंगे, ये अच्छी तरह से हम जानते हैं और रोज देखते हैं। और जब ये कटुता आपके सामने आती है, जब ये सच्चाई सामने आती है तो आप स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार करना सीखिए। और एक चीज सीखिए कि सिखाना बंद कर दीजिए, सीखना शुरू कीजिए। आपको आदत पड़ गई है सिखाने की, सीखना नहीं चाहते। दलित साहित्यकार क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, उनकी वेदना क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, वो साहित्य में क्यों आए हैं, इसको जानने की कोशिश तो कीजिए। दलित साहित्य की आधारभूत मूल्य क्या है, उसके जीवन मूल्य क्या है, उसको जानने की कोशिश तो कीजिए, तभी तो आप प्रेमचंद का मूल्यांकन दलित नजरिए से कर पाएंगे। और अगर आप दलित नजरिए से प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हैं तो कोई क्राइम नहीं हो जाएगा, कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, बल्कि प्रेमचंद और तरोताजा होंगे और अधिक विकास होगा प्रेमचंद का। अलग अलग नजरिए से रचना खुलती है। जितने अधिक, अभी किसी ने कहा, आपने शायद कहा था, जितने अधिक पाठ होंगे रचना के उतनी रचना खुलेगी और खुलेगी। एक व्यक्ति जिस रचना को पढ़ता है अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर पढ़ता है, दूसरा पढ़ता है तो अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर पढ़ता है, रचना का विस्तार होता है, रचना की व्यापकता बढ़ती है। वो आप नहीं कर रहे। हम प्रेमचंद के विरोधी नहीं है, प्रेमचंद मेरे लिए बहुत बड़े रचनाकार है, लेकिन जब आप एक तलवार की तरह, लाठी की तरह सिर पर हमारे बात करेंगे प्रेमचंद का, तो हम विरोध तो करेंगे। और ये विरोध तभी होता है कि जब आप उसे हमारे दुश्मन की तरह सामने लेके आते, आप दोस्त की तरह सामने लेके आइए, हम सिरा होकर बैठाएंगे। आप भी दोस्त बनकर आइए, साथी बनकर आइए, लेकिन आप गुरु बन के जब आएंगे हमें स्वीकार नहीं देंगे। चूंकि अभी तक आप गुरु बनकर हमें सीख देते रहे और समाज में विद्वेष और विघटन करता रहा, तो आपकी सीख पर हमें डाउट है, हमें शंका है कि आप अपनी समझ को, अपनी सोच को पहले रेक्टिफाई कीजिए। समाज में विघटन हमने नहीं किया, आप लोगों ने किया है, और जो विघटन के जिम्मेदार हैं उन्हें यह सीखना पड़ेगा कि गलती कहां हुई है। दलित साहित्य घृणा का साहित्य नहीं है, दलित साहित्य जातिवादी साहित्य नहीं है, वो तो प्रेम का संदेश लेकर आया है, वो तो भाईचारे का संदेश लेकर आया है, वो तो दोस्ती करना चाहता है, वो तो समता चाहता है, वो दुश्मनी कैसे निभा सकता है। अंबेडकर विचार को लेकर आया है, बुद्ध के विचार को लेकर आया है, वो कैसे अमान्य हो सकता है। उस साहित्य को जानने की कोशिश तो की थी, लेकिन अगर उसको बिना जाने आप साहित्य पर बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे तो घपला होगा, दुर्घटनाएं होंगी, गलत विचार सामने आएगा, साहित्य की सामाजिकता पर बट्टा लगता रहेगा। इसलिए हिंदी साहित्य, ये बार बार हम लोगों ने सवाल उठाया है कि हिंदी साहित्य की सामाजिक आलोचना होनी चाहिए, उसका समाज शास्त्रीय अध्ययन होना चाहिए, जो आज तक कभी नहीं हुआ। अभी एक विद्यार्थी मेरे पास आए थे कि मैं साहित्य की साइड बैठे सामने, हाँ, वो ये विचार लेकर आए कि समाज शास्त्रीय शोध करना चाहता हूं साहित्य का। मैंने कहा आपको 5 किताबें भी ढूंढने से हिंदी में नहीं मिलेगी, अंग्रेजी में तो मिल जाएगी, हिंदी में नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे हिंदी विद्वानों को आदत नहीं है समाज के बारे में जानने की, क्योंकि हम समाज का निर्माण ही नहीं कर पाए, हम तो छोटे छोटे घरों में बन रहे। ये हमारा ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज में भी ये हमारा सरयोपारी समाज है, ये हमारा कान्यकुल समाज है, ये हमारा छोटी धोती वाला समाज है, ये बड़ी धोती वाला समाज है, ये फला समाज है, ये फला है, हम इन घरों में बसे रहे। हमने तो समाज को कभी निर्मित किया ही नहीं। जब समाज निर्मित हमने नहीं किया, हमने अलग अलग टुकड़े बनाए, छोटे छोटे टुकड़े, पर बात हम राष्ट्र की करते रहे तो हमारे साहित्य की भी वही स्थिति है। साहित्य भी हमारे छोटे छोटे घरों में, अजय नावलिया ने बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखी है, वो भी अपने विचार नहीं रखी उन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से रखी कि प्रेमचंद एक अंचल के साहित्यकार। आप मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आपका नजरिया तो यह है कि जो हम सोचते हैं वो बहुत बड़ी बात है, वो अंतरराष्ट्रीय बात है, वो सारा जैसे दिल्ली में बैठा हुआ आदमी अपने को राष्ट्रीय से नीचे समझता ही नहीं। यही हमारी गलती है कि प्रेमचंद अंचल के रचनाकार हैं, उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश पर तो एक पंक्ति भी नहीं लिखी,
मैंने कहा है हरि प्रसाद द्विवेदी ने। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा जब हम दूसरों को सीख दे रहे हैं तो हमारा नजरिया भी तो व्यापक होना चाहिए, हमारा मन भी तो खुला हुआ होना चाहिए। जब हमारा मन खुला हुआ होगा तो हमें चीजें साफ दिखाई देने लगेगी, हमारे अंदर प्रेम जागेगा तो हमारी चीजें हमारे एक दूसरे के बारे में विश्वास पैदा होगा। जब आपने प्रेम करना ही नहीं सीखा, घृणा तो जी रहे हैं आप, नफरत में जी रहे हैं, अछूतों से घृणा करो, मुसलमानों से नफरत करो, क्रिश्चियन से नफरत करो, फला से नफरत करो, सर्वपाली से नफरत करो, काने कुप से नफरत करो, जब आप नफरत में जी रहे हैं तो आपके अंदर प्रेम तो जगा ही नहीं। और साहित्य तो प्रेम जगाता है, साहित्य तो जोड़ के रखना चाहता है। आपने ये तो हमें बताया कि मुसलमानों का हिंदी साहित्य में योगदान है, लेकिन कभी आपने ऐसा रचनाकार हमें बताया कि एक हिंदू कवि इस्लाम के बारे में लिख रहा हो, उस पर कवि बना हो? जैसे रस्कान हमारे पास है, ऐसा कोई कवि है हमारे पास जिसने मुस्लिम इस्लाम के बारे में कविताएं लिखी हो? इस पे क्यों नहीं बता रहे? चूंकि आपने प्रेम करना नहीं सीखा। एक रस्कान आपके कृष्ण से प्रेम कर सकता है, गोपियों से प्रेम कर सकता है, लेकिन आप दूसरों से प्रेम करना जानते नहीं है। आपको छोड़ो वसुधैव कुटुंबकम का नारा, सूत्र वाक्य को रटने वाले दलितों से प्रेम करना नहीं जानते, हजारों साल से दलितों से प्यार नहीं जागा उनके मन में। तो जब तक आपके मन में प्यार नहीं जागेगा तो आपका साहित्य डुप्लीकेट बना रहेगा, बनाव भी बना रहेगा, ईमानदार नहीं होगा वो। इसलिए उसे ईमानदार बनाने के लिए जरूरी है आप निष्पक्ष भाव से अध्ययन करना सीखें, आपकी दृष्टि व्यापक हो। आप संकुचित दायरे में रहते हैं इसलिए संकुचित बात कर रहे होते हैं। एक और ये कहानियों में, प्रेमचंद की कहानियों में नुक्ते दिखाई देते हैं। बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बार बार बात होती है, सीरिया प्रसंग पर। श्रीवास्तव जी ने भी बहुत प्यार से उस प्रसंग को बताया और उसे उस वक्त मुझे हंसी आ गई थी कि जो नकारात्मक चीज है उसे सकारात्मक करके बता रहे। सीरिया माता दीन के प्रसंग में दो घटनाओं पर, एक ही घटना पर बात होती है। आज पहली बार मैंने किसी गैर दलित साहित्यकार से उस दूसरे वाले बिंदु पर बात सुनी। मैं तो उसमें बहुत बार बोल चुका हूं, माता दीन के मुंह में हड्डी डालना क्रांति होगी। तो सब हड्डी चबाते हैं, चुपके चुपके सब हड्डी चबाते हैं, लेकिन माता दीन के घर मुंह में प्रेमचंद ने हड्डी डलवा दी चमार से तो क्रांति हो गई, बहुत बड़ी क्रांति हो गई। प्रेमचंद लिखते हैं जब वही प्रसंग जहां वो बोलते हैं अब पूरी तरह से माता दीन बदल चुका है। ये प्रसंग है, कोई आखिरी वाला प्रसंग है वो, कि बदल चुका है। तो सीरिया पूछती है कि अब आपका खाना कौन बनाएगा? सीरिया खाना कौन बनाएगा? तो बनाए बोलते मेरी रानी बनाएगी। यही बात है, रानी बनाएगी। सीरिया का तो मतलब तो वो तो उनके गुप्पा हो गई कि पब्लिकली बोल रहे हो, अभी तक तो चुपके चुपके चल रहा था, सब अब तो खुल के बोल रहे हैं। अगला वाक्य आता है प्रेमचंद का कि माता दीन पूरी तरह बदल चुके हैं। आता है ये वाक्य, उसके आगे वाक्य जुड़ा हुआ है। माता दीन बोलते हैं जो धर्म को माने वो ब्राह्मण, जो धर्म विहीन हो वो चमार। आप में से मैं पूछना चाहता हूं क्या ये परिभाषा एक जेन्युइन लेखक की परिभाषा सही लगती है आपको, कि ब्राह्मण और चमार की परिभाषा ये जेन्युइन लगती है आपको? जब एक चमार इस वाक्य को पढ़ता है आप लोग तो पढ़ के खुश होकर आगे निकल जाते हैं क्योंकि वहां आपकी तकलीफ नहीं है, लेकिन जब एक चमार उस लाइन को पढ़ता है तो प्रेमचंद पर शंका करने लगता है। आप ही बताइए दिल पर हाथ रखकर कि चमार की परिभाषा यह है कि जो धर्महीन है वो चमार है, या ये कि जो चमारी से पैदा हुआ वो चमार है? क्या है दोनों से परिभाषा प्रचलित? और ब्राह्मण की परिभाषा किस धर्म की बात कर रहे हैं प्रेमचंद? वो धर्म जो चमारों का धर्म है ही नहीं, जो चमार को मनुष्य नहीं समझता उस धर्म को क्यों माने चमार? और उसकी आप तारीफ कर रहे हैं यहां पर श्रीवास्तव जी, जिस तरह से जिस लहजे में उस
प्रसंग की तारीफ की है, मुझे मैं शर्मिंदा हो गया कि हमारे समझ है साहित्य की और हम गर्व कर रहे हैं अपनी समझ के ऊपर। अफसोस मुझे उनके सामने इतने कठिन शब्दों में कहना पड़ रहा है। विद्वान व्यक्ति है और अच्छी खूबसूरत भाषा है उनके पास, बहुत जबरदस्त भाषा है जिसका मैं कायल हो गया कि मुझे लगा आए मैं ऐसी भाषा क्यों नहीं लेकिन मेरा निवेदन है कि श्रीवास्तव जी इस प्रसंग को दोबारा आपने पढ़ कर दिए और एक चमार के दृष्टिकोण से पढ़कर देखिए, एक पैस के दृष्टिकोण से मत पढ़िए। जब तक आप साहित्य को उस तरह से देखना शुरू नहीं करेंगे, साहित्य का मूल्यांकन आप सही दिशा में नहीं कर सकते, चाहे इसे मेरा अतिवादी दृष्टिकोण मानते हैं। मैं स्वीकार है, मुझे ये मान लेना स्वीकार है कि आप मुझे अतिवादी कहें, जातिवादी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन मेरा नजरिया है, मैं हर व्यक्ति से प्यार करना चाहता हूं, मैं पूरे समाज के साथ निर्माण में शामिल होना चाहता हूं, मैं दोस्ती करना चाहता हूं, दुश्मनी करना नहीं चाहता। ऐसा ही प्रसंग कफन कहानी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कफन कहानी और सरगमी दोनों टेक्निकल रूप से, दोनों कहानियों में टेक्निकल गलतियां हैं। एक कहानीकार के तौर पर बता सकते हैं, यह परंपरा है कि डेड बॉडी को अगर अलग छोड़ के चले जाए। बताइए, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा घर परिवारों में, दूसरे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अड़ोस पड़ोस में, कि डेड बॉडी को कभी हिंदू धर्म में अलग छोड़ा जाता है? कोई नहीं छोड़ता। प्रेमचंद कैसे छुड़वा रहे हैं उसको? चूंकि अगर वो नहीं छुड़वाते तो कहानी आगे नहीं बढ़ती। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक गलत प्रसंग वहां पर डाला गया कि छोड़ के चले गए। और चमारों में तो बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणों में होगा तो मुझे पता नहीं, कार्यक्रम लेकिन राम चमारों में ये बिल्कुल नहीं है कि डेड बॉडी को छोड़ के चले जाए। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, छोड़ के ले जाएंगे। ये टेक्निकल गलती उस कहानी की, इसलिए वो कहानी तकनीकी दृष्टि से गलत हो जाती है। कहानी बहुत मार्मिक है, तमाम अंतर्ग्रंथों को सामने लाती है, लेकिन तकनीकी रूप से उसको बनावटी कहानी बनाया गया है, इसलिए वो कहानी अपना कहीं ना कहीं वजूद पर शंकाएं पैदा कर देती है। कफन कहानी का देखिए, पहला ही वाक्य आपको दहशत में डाल देता है। कुन चमारों का कुन बात, आपकी सारी संवेदनाएं उस शब्द के साथ शुरू हो जाती हैं। हिंदू समाज में एक प्रचलित धारणा है कि दलित, तो दलित या चमार कुन भी कह लीजिए, या वाल्मीकि कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि ये तो होते ही ऐसे, ये तो बेकार होते हैं, ऐसे ही होते हैं, इनमें कोई सभ्यता ही नहीं है, तो गलीश है। नहीं, मैंने सोचा कि ये तो नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोई मन में कोई नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कि चमारों का कुंभ और उसके साथ ये प्रसंग जुड़ा हुआ है कि तो होते ही ऐसे ही हिंदू समाज में अवधारणा ये स्थापित है, आज भी जारी है और उसी के आधार पर ये कहानी रची गई। कभी यीशु मानव को ऐसा दिखाया गया है? आपको एक चीज और बता दें कि जब स्त्री को प्रसव होता है, पूरे भारतीय समाज में स्त्री को अकेला कोई नहीं छोड़ता, चाहे दुश्मनी हो, अड़ोस पड़ोस में बोलचाल ना हो, जैसी खबर मिलती है कि प्रसव शुरू हो गया, सारी इकट्ठी हो जाती है। ट्रेन के अंदर भी ऐसी घटनाएं हुई है जहां प्रसव हो रहा है, अचानक ट्रेन में सारी महिलाएं खड़ी हो जाती है, पूरे कंपार्टमेंट की महिलाएं खड़ी हो जाती, चादर पकड़ के खड़ी हो जाती है। अब वहां प्रेमचंद उसको अकेला कर दिया और कुलवा है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, पूर्व उत्तर प्रदेश हो, अवध हो, कुलवे का एक ही अर्थ है कि बहुत सारे लोग, और वहां प्रेमचंद ने यह साबित कर दिया कि अकेले हैं। अकेली को छोड़ दिया, कोई उसके पास नहीं, कोई स्त्री उसके पास रोने धोने के लिए तो आ गई, प्रसव के समय कोई नहीं है, क्योंकि अगर वहां पर स्त्रियां होती तो घटनाक्रम नहीं बनता, वो कहानी कमजोर पड़ जाती है वहां आकर के, कि कहानी झूठ के सहारे आगे बढ़ गई। और दूसरी बात है, अगर प्रेमचंद उस कहानी के अंदर दलितों के पक्षधर हैं तो मजाक नहीं उड़ाते, जिसके पक्षधर हम होते हैं उसका मजाक नहीं उड़ाते। पूरी कहानी व्यंग्यात्मक लहजे में है और मजाक उड़ाई गई है पूरी कहानी के अंदर, इसलिए दलितों को यह कहानी नकारात्मक लगती है, दलित विरोधी लगती है वो कहानी। और क्लास के अंदर जब मजा ले लेकर श्रीवास्तव जी जैसे टीचर
पढ़ाते हैं उस कहानी को, उस वक्त दलित बच्चों पर क्या गुजरती है ये कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि एक चमार बच्चा जब उस कहानी को मां अध्यापक के मुंह से सुन रहा होगा तो सिवाय उसके कोई जमीन में गड़ जाए उसके लिए कोई रास्ता नहीं होता। तो निवेदन है कि कम से कम दूसरों की भावनाओं का विचार करना सीखे और पाठ्यक्रमों से इस कहानी को बाहर निकाल रखिए, श्रेष्ठ बना के शीशे में बढ़वा के अपने घरों में टांग लीजिए, लेकिन क्लासरूम में मत पढ़ाइए उसको, अन्यथा आपको इससे भी ज्यादा कटु शब्द सुनने पड़ेंगे उस कहानी के ऊपर। साथियों ये कुछ घटनाएं हैं, ऐसे कहने को तो और भी बहुत सारी चीजें थी कही, लेकिन मैं एक बात जो श्रीवास्तव जी ने कही थी बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो श्रीवास्तव जी हैं प्रेमचंद जैसे हैं उनको वैसा ही रहने, उनको छोटा मत कीजिए, उनको महान रहने दीजिए, कलंकित मत कीजिए प्रेमचंद, वो हमारी शान है, हिंदी साहित्य की शान है प्रेमचंद, उसकी शान को बरकरार रखिए, जब उसे घसीट के लाओगे तो छींटे पड़ेंगे। और ये आप लोगों के हाथ में है, ये बहुत ही बड़ी बात थी, और मैं समझता हूं कि सूरदास पे बहुत खास बात कही गई थी मैं, अच्छा हाँ चलिए इसको छोड़, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद में जो थोड़ा बहुत चेंज दिखाई देता है वो 1930 के बाद दिखाई देता है, वो भी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद, टर्निंग पॉइंट है वो, अंबेडकर के और गांधी के बीच में जो विवाद शुरू होता है वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस के कारण विवाद होता है, और उस विवाद की के पूरे राजनीति पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। और एक बात और मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हजारों साल में पहली बार दलितों ने अपने लिए कोई डिमांड रखी थी, हजारों साल, एक दो दिन की बात नहीं, 3000 साल से ज्यादा, 5000 साल तक भी अगर हम पीछे जाएं तो पहली बार दलितों ने अपनी कोई डिमांड रखी थी, नहीं तो लगातार जलते पिसते टूटते खटते ही रहे, कभी मुंह नहीं खोला, लेकिन अंबेडकर के मुंह से पहली बार डिमांड निकली गोलमेज कॉन्फ्रेंस के द्वारा, अलग वोटिंग का अधिकार, एक मताधिकार की मांग की गई अलग से, जिसका विरोध गांधी जी ने किया, और गांधी जी ने विरोध मामूली विरोध नहीं किया, भूख हड़ताल पे बैठ गए उस वक्त। जरा भूमिका देखिए प्रेमचंद जी क्या है, मैं निवेदन करना चाहूंगा दोनों श्रीवास्तव जी से, विद्वान लोग यहां बैठे हुए हैं, कि आपने बाकी चीजें तो पढ़ ली, कहानियों का विश्लेषण भी कर लिया, जागरण के संपादक संपादक के नहीं पढ़े, समय के आज की बात कर मौका नहीं मिला, बहुत 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 धन्यवाद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। और मुझे लगता है कि जिस प्रेम की बात हम लोग कर रहे थे, जिस उदात्त प्रेम की बात कर रहे थे, हम लोग उसी प्रेम को लेकर जाएं, लेकिन जैसा कहा गया है कि यह प्रेम को पंत कराल महातलवार के ताल पे दाबना है, तो ऐसा न हो कि उस तलवार को दाबने में हम लोग कहीं कट जाए, इसलिए प्रेम को संभाल कर रखना है, और इसी प्रेम को संभालते हुए कल फिर से हम लोग इसी प्रेम के साथ हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।